24 तारीख को बुखार आया था। उसके बाद मैं 2 दिन लगातार सिकंदराऊ का रहने वाला हूँ, दाऊदयाल वासी नाम है मेरा। वहीं 2 दिन इंतजार करने के बाद में कि घरेलू बुखार आया जाता है, उसी हिसाब से मैंने सोचा कि बुखार वैसा ही होगा। लेकिन 2 दिन बाद जब मालूम पड़ा कि बुखार टूट ही नहीं रहा है, 102, 2.5, 3, 24 घंटे रहा। तो उसके बाद में बेटा ये मेरा इंजीनियर है, इसने डॉक्टर राजकुमार जी के पास आए हम लोग, उन्होंने हमारी टेस्टिंग के लिए लिखा आंसू का लैब से। उससे पहले हमने सिकंदराव में एक लाल पैथोलॉजी से अपनी टेस्टिंग कराई थी, उसमें उन्होंने प्लेट कम आई थी और बाकी सब सही था। तो उस समय स्टार्टिंग थी, जब हम राजकुमार जी के यहाँ आए तो प्लेट उस 1,45,000 हो गई। फिर हमने जब दोबारा ये रिपोर्ट लेने के लिए आए तब 1,45,000। फिर इन्होंने मुझे टेलीफोन किया सिकंदराव को, बोले पापा ऐसे ऐसे है जो है, आप कुछ तुरंत अलीगढ़ आ जाओ। किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, इस सीज़न में दिवाली के आसपास से डेंगू के केसेस काफ़ी इस ज़िले में आए थे। हमने उसकी एक विशेष कार्य योजना बनाकर उसमें जो है कार्य किया। पहली चीज़ तो ये कि जो डेंगू का कंफर्म टेस्ट था वो हमने अपने तीनों अस्पतालों में निःशुल्क उसकी जो है उपलब्धता कराई। दूसरा, हमने ऐसी पैथोलॉजिस्ट लैब जो कि भ्रामक और बिना कंफर्म किए डेंगू के बारे में बता रही थी, उनको चेतावनी दी गई कि आप बिना कंफर्म करे किसी भी टेस्ट के बारे में नहीं बता सकते। दूसरी चीज़, हमारे दोनों अस्पताल संयुक्त चिकित्सालय दीनदयाल चिकित्सालय उपाय अस्पताल, जिला मलखान सिंह अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज, तीनों में डेंगू बीमारी से बचाव के बारे में प्रचार प्रसार से लेकर डायग्नोसिस तथा इलाज तक की पूर्ण सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। जिला अस्पताल मलखान सिंह में हमने 25 बेड का एक वार्ड तथा 6 प्राइवेट वार्ड डेंगू के मरीजों के लिए आरक्षित किए और पूरा इलाज जो है उनको दिया गया।